हेलो बच्चों, आपको पता है कि आपका जो है PT2 वो होने जा रहा है 30 अक्टूबर से। तो उसके लिए आज अपन क्या करेंगे, अपन प्रैक्टिस करेंगे, ठीक है। चैप्टर जितना हो गया है, अपन ने जो चैप्टर चल रहा था अपना मूवमेंट इन एनिमल्स, उसको अभी जो है उसके क्वेश्चन अपन बाद में करेंगे। आज अपन बेटा प्रैक्टिस करेंगे चैप्टर्स की। तो आपको पता है कि टेस्ट जो होगा ऑनलाइन टेस्ट होगा, उसमें आपको जो है ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन मिलेंगे। ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन मतलब इसमें आपको ऑप्शन दिए जाएंगे और पूछेगा कि इनमें से कौन सा सही है। तो ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन आने वाले हैं किसमें, जो आपका टेस्ट होने वाला है PT2, ठीक है। तो आज अपन सभी चैप्टर के जो है दो दो चार चार पांच पांच क्वेश्चन जो है सबकी प्रैक्टिस करने वाले हैं। तो बेटा चैप्टर नंबर 6 की सबसे पहले अपन प्रैक्टिस करेंगे। तो इसमें देखा बेटा ह्यूमैनिटी, देखो चैप्टर का नाम है चेंजेस अराउंड अस। चेंजेस अराउंड अस जो है उसमें आपको डिफरेंट टाइप के जो है चेंजेस दे रखे हैं, जैसे कि फिजिकल चेंज, केमिकल चेंज, इरिवर्सिबल चेंज और रिवर्सिबल चेंज। तो उन्हीं के बेसिस पे बेटा 3-4 मैंने क्वेश्चन रखे हैं और भी अपन आगे प्रैक्टिस करेंगे। तो देखो, मेल्टिंग ऑफ आइस इज ए एग्जांपल ऑफ विच चेंज, कौन सा चेंज जो है उसमें मेल्टिंग ऑफ आइस को रखा जाता है, यानी मेल्टिंग ऑफ आइस जो है किस चेंज का एग्जाम्पल है। तो आपको पता है कि मेल्टिंग ऑफ आइस, आपने पढ़ा होगा कि मेल्टिंग ऑफ आइस बेटा ये एक फिजिकल चेंज है बेटा, ये क्या है बेटा, फिजिकल चेंज है, ओके। तो इसको अपन इस तरीके से याद रखेंगे कि मेल्टिंग ऑफ आइस जो है वो फिजिकल चेंज है। दूसरा है बेटा, डाइजेशन ऑफ फूड इज एन एग्जांपल ऑफ विच चेंज, तो बेटा डाइजेशन ऑफ फूड जो है आपको पता है कि इसमें जो है एंजाइम जो है वो क्या होते हैं, केमिकल्स होते हैं जो इसमें पार्ट लेते हैं, तो उसको अपन बोलेंगे बेटा केमिकल चेंज। तो बी ऑप्शन जो है इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट है, बर्निंग ऑफ पेपर इज एन एग्जांपल ऑफ, बर्निंग ऑफ पेपर जो है किस टाइप का एक चेंज होता है ये आपको बताना है। तो आप ये जब चैप्टर पढ़ा होगा, मैडम ने आपको पढ़ाया होगा, तो बेटा बर्निंग ऑफ पेपर यानी पेपर को अपन जलाते हैं तो ये एक किस प्रकार का चेंज है बेटा, किस टाइप का चेंज है, ये केमिकल चेंज होता है। कैसे है, ए ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा कि ये क्या है, केमिकल चेंज है। बिकॉज आपको पता है कि बर्निंग कोई भी प्रोसेस होता है उसमें एक सब्सटेंस जो है नया सब्सटेंस बनता है, एक सब्सटेंस से जो है एक नया सब्सटेंस बन जाता है, मतलब एक ऐसा चेंज आ जाता है जिससे अपन वापस उस नए उस सब्सटेंस को नहीं बना सकते, जो नया सब्सटेंस बना है उसको वापस कन्वर्ट नहीं कर पाते पिछले वाले सब्सटेंस में, ठीक है। तो ये अपन 3 जो क्वेश्चन है उनको याद रखेंगे, फिर आगे के क्वेश्चन जो है, ठीक है बेटा। क्वेश्चन नंबर 4 है, द चेंज इन विच नो न्यू सब्सटेंस इज फॉर्म इज कॉल्ड, मतलब ऐसा चेंज जिसमें कोई नया सब्सटेंस नहीं बनता उसको अपन क्या कहते हैं बेटा, उसको अपन बोलते हैं क्या, कौन सा चेंज होगा बताओ, फिजिकल चेंज, केमिकल चेंज, बोथ ऑफ एंड नन ऑफ दीज, ठीक है। तो बताओ इनमें से कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा, मतलब ऐसा चेंज जिसमें कोई नया सब्सटेंस नहीं बनता, तो बेटा आपको पता है कौन सा चेंज होता है, फिजिकल चेंज, ठीक है। ऑप्शन ए इज करेक्ट। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए टेम्परेरी चेंज, टेम्परेरी चेंज का मतलब होता है कि वहाँ ऐसा चेंज जिसमें सब्सटेंस जो है चेंज तो होगा, एक नई स्टेट में चेंज तो होगा बट वापस से कन्वर्ट हो जाएगा, तो ठीक है। ये कौन सा चेंज होता है बेटा, फिजिकल चेंज को अपन टेम्परेरी चेंज भी बोलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, द चेंज इन विच ऑब्जेक्ट इंक्रीज इन साइज, मतलब ऐसा चेंज जिसमें कोई ऑब्जेक्ट जो है अपनी साइज में चेंज करती है, इंक्रीज करती है अपनी साइज को, तो बेटा वो होता है एक्सपेंशन। एक्सपेंशन का मतलब ही होता है बेटा किसी ऑब्जेक्ट की साइज में इंक्रीज होना, इंक्रीज होना उसको अपन क्या बोलते हैं, इसमें आएगा बेटा वो एक्सपेंशन में। कॉन्ट्रेक्शन को आप समझ सकते हो कि इसमें साइज जो है बेटा डिक्रीज होगी, ठीक है। केमिकल चेंज और फिजिकल चेंज अपन पढ़ ही रहे, तो देखो इस तरीके से जो है ऑब्जेक्टिव टाइप में क्वेश्चन आएंगे, ठीक है। और अब जो है अपन प्रैक्टिस करेंगे बेटा चैप्टर नंबर 5 की। ठीक है बेटा, चैप्टर नंबर 5 के जो है क्वेश्चन किस तरीके से आएंगे, देखो चैप्टर नंबर 5 जो है वो है, इसका नाम जो है शॉर्टिंग मटेरियल्स, यानी मटेरियल्स के बारे में दे रखा है सब कुछ। तो देखो पहला क्वेश्चन जो है मैंने लिखा है यहाँ पे, विच ऑफ द फॉलोइंग टेल्स यू दैट द मटेरियल इज शाइनी, मतलब आप कैसे पता करेंगे कि कौन
कोई भी एक सब्सटेंस जो है शाइनी है, आप कैसे पता करोगे, किस प्रॉपर्टी से आप पता कर पाओगे किसी सब्सटेंस की कि वो शाइनी है? तो बेटा जो एक प्रॉपर्टी होती है सब्सटेंस की कि जिसमें वो शाइनी होता है तो उसको बोलते हैं लश्कर, क्या बोलते हैं लश्कर। तो ऑप्शन ए इज करेक्ट। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज सोल्यूबल या विजिबल इन वॉटर, यानी ऐसा एक सब्सटेंस इनमें से जो वॉटर में इजिली सोल्यूबल हो जाता है, मिल जाता है, मिक्स हो जाता है। तो इनमें से बेटा एल्कोहल दे रखा है, ऑयल दे रखा है, चौक दे रखा है। तो एल्कोहल जो है वो बेटा इजिली क्या हो जाता है, मिक्स हो जाता है वॉटर में। द मेटेरियल विच कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी इज कॉल्ड, एक ऐसा मेटेरियल जो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करता है उसको अपन क्या कहते हैं, इंसुलेटर, कंडक्टर, नन ऑफ दीज। तो यहाँ पे आपको पता है कि कंडक्टर जो होता है वो क्या होता है, गुड जो है इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करता है, उन मेटेरियल्स को अपन क्या कहते हैं, कंडक्टर्स। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ओपेक, ओपेक का मतलब होता है कि ऐसी ऑब्जेक्ट्स जिनमें से अपन आर पार नहीं देख पाते हैं उनको अपन क्या कहते हैं, ओपेक। तो बताओ वुड में से अपन आर पार देख पाएंगे या ग्लास में से या फिर वॉटर में से? तो ऐसी कौन सी इनमें से ऑब्जेक्ट है जिनके जिसके आर पार नहीं देख पाते, तो वो हो जाएगा बेटा वुड। ऑप्शन ए इज करेक्ट। इस तरीके से आपको जो है क्वेश्चंस के आंसर देने होंगे। तो ये चैप्टर नंबर 5 है, चैप्टर नंबर 4 के और क्वेश्चन करते हैं अपन। ठीक है बेटा, तो चैप्टर नंबर 4 की अपन प्रैक्टिस करने जा रहे हैं। ठीक है, तो देखो इसकी जो है इसमें चैप्टर का नाम है फैब्रिक, फाइबर टू फैब्रिक, है ना, फाइबर टू फैब्रिक। हाँ, फाइबर टू फैब्रिक के क्वेश्चंस हैं। इसमें पहला बेटा कॉटन इज ए, बेटा कॉटन जो होता है ये क्या है, एनिमल फाइबर है, प्लांट फाइबर है, आर्टिफिशियल फाइबर है या फिर नन ऑफ दीज? तो इनमें नन ऑफ दीज का मतलब बेटा होता है इनमें से कोई नहीं। ठीक है, नन ऑफ दीज का मतलब क्या होता है, इनमें से कोई नहीं, ऑप्शन जो दिए हुए हैं उनमें से कोई नहीं। तो बेटा कॉटन जो है अपने को कहाँ से मिलता है, प्लांट से, तो अपन बोल देंगे इट इज ए प्लांट फाइबर। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग, सेकेंड क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए सिंथेटिक फाइबर, तो इनमें से सिंथेटिक फाइबर कौन सा है, कॉटन है, सिल्क है, वुल है या फिर नायलोन है? तो बेटा नायलोन जो है ये क्या है बेटा, सिंथेटिक फाइबर है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए एनिमल फाइबर, तो नायलोन, जूट, वुल या नन ऑफ दीज? बेटा इसमें से जो है आपको पता है कि नायलोन सिंथेटिक फाइबर है, जूट प्लांट से मिलता है, वुल जो है वो एनिमल से मिलता है, तो अपन बोलते हैं कि जो है एनिमल फाइबर है ये। ठीक है, प्लांट के प्लांट फाइबर में आ जाता है, जैसे जूट आ गया, उसके बाद में कॉटन आ गया। ठीक है, ये जो है क्या है, प्लांट फाइबर है, वुल, सिल्क ये क्या होते हैं, एनिमल फाइबर से होते हैं। ठीक है, द प्रोसेस ऑफ ऑब्टेनिंग यार्न फ्रॉम द फाइबर टू फाइबर इज कॉल्ड स्पाइनिंग, इसको क्या बोलते हैं ना, स्पाइनिंग। ऐसा प्रोसेस जिसमें फाइबर से जो है थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स बना दी जाती है उसको अपन क्या कहते हैं, स्पाइनिंग, क्या बोलते हैं बेटा, स्पाइनिंग। इस तरीके से जो है अपने चैप्टर्स की जो है प्रैक्टिस करते हैं। एक और बचा है थर्ड चैप्टर, उसकी आप लोग प्रैक्टिस करना। ठीक है, और जो है टेस्ट आपका जो है अच्छा, अच्छे से आपको टेस्ट देना है बेटा। ठीक है, प्रैक्टिस कर लेना, और अच्छे जो क्वेश्चन दे रखे हैं बीच में से जो क्वेश्चन बनते हैं तो प्रैक्टिस करना, उनकी ऑप्शन टाइप के क्वेश्चन मैम ने करवाए होंगे उनकी प्रैक्टिस करना। ठीक है, और टेस्ट जो है उसको अच्छे से देना। ठीक है, तो मिलते हैं, जो जो अपना चैप्टर चल रहा है बेटा उसके क्वेश्चन जो है अपन अगली क्लास में करेंगे, मतलब मंडे में। ठीक है, तो ये आप लोग कंप्लीट करोगे इसको, अभी जो है टेस्ट तक आपको इन्हीं की प्रैक्टिस करनी है चैप्टर्स की। ओके, तो मिलते हैं अगली क्लास में, टेक केयर, बाय बाय।